नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। जो छात्र ग्रेजुएशन की परीक्षा देने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि वे कम पढ़ाई करके 60+ मार्क कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 60 प्रथम श्रेणी बीकॉम, बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके भविष्य के लिए। ध्यान दीजिएगा, आप कम पढ़ाई करके 60% अंक कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में पहला टिप्स हमारा है। सबसे पहले आपको पेपर देने से पहले मॉडल पेपर आपके विश्वविद्यालय का, आपके महाविद्यालय का, आपके कॉलेज का मालूम होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय के अलग अलग मॉडल पेपर होते हैं। अलग अलग का मतलब ऐसा है, सब्जेक्ट तो वही हो सकता है लेकिन कहीं कहीं पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और किसी किसी विश्वविद्यालय में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले मॉडल पेपर होना जरूरी है। मॉडल पेपर नहीं रहेगा तो हमें पता ही नहीं रहेगा पेपर में कैसे लिखना है। मॉडल पेपर चाहिए। दूसरी बात क्या करते हैं, हम अपनी कॉपी में सीरियल वाइज, जैसे प्रश्न एक से लेकर के 10 प्रश्न तक पूछा गया है, एक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या एक, प्रश्नोत्तर संख्या दो, प्रश्नोत्तर संख्या तीन, प्रश्नोत्तर संख्या चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस तक हम ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, 10 तक लगातार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है, कोई आधा आ रहा है, उसको आगे पीछे हम कर देंगे। आगे पीछे नहीं करना है, सीरियल वाइज लिखना है। तीसरा हम आपको बताना चाहते हैं, तीसरे में सबसे बड़ी बात होती है, अगर 50 शब्दों में बोला है लिखने के लिए प्रश्न, या 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 300 शब्दों में, 500 शब्दों में, तो उसका पालन करना जरूरी है। और होशियारी से पालन करेंगे तो आपका पेज पूरा भर जाएगा। 28 पेज की लगभग कॉपी आती है। आप जान लीजिए, कॉपी उतनी ही आती है जितना विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार आपको लिखना है। अगर आप उससे कम लिखते हैं, एकाध पन्ना कम लिखते हैं तो ठीक है। कोई कोई होते हैं 10 पेज में लिख के चले जाते हैं, 12 पेज में लिख के चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं प्रथम श्रेणी में बीकॉम पास हुआ हूं तो मैं पूरा विश्वविद्यालय के मानक का पालन करता था। आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, विश्वविद्यालय के मानकों का पालन जरूर करें। 100 शब्दों में अगर बोल रहा है तो लगभग एक पेज, 200 शब्दों में बोल रहा है तो दो पेज, 300 शब्दों में बोल रहा है तो तीन पेज, 400 शब्दों में बोल रहा है चार पेज, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा हेडिंग डालिए। अगर आप हेडिंग अच्छी डाल देते हैं, हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। हेडिंग आप वैसे भी पहले से पढ़ के जाइए, और आप वहां पर किसी से पूछिए मत। अगली टिप्स जो हमारी है, किसी से पूछ के मत लिखिए, अपने मन से जो भी आ रहा है, गलत आ रहा है गलत लिख दीजिए, सही आ रहा है सही लिखिए, लेकिन लिखते जाइए। अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आपके समय बर्बाद होने से आपका अगर 20 नंबर का प्रश्न छूट गया या 10 नंबर का प्रश्न छूट गया तो आप क्या, उसमें आपकी कॉपी अगर 10 नंबर की का प्रश्न छूटता है, 100 नंबर का पेपर होता है तो आपकी कॉपी 90 नंबर में चेक होगी, और 90 नंबर में चेक होने से आपके अंक कम मिलेंगे, यानी कि प्रश्न को पूरा लिखना है। और राइटिंग नंबर एक की लिखना है, जितनी हो सकी राइटिंग बना करके जल्दबाजी में भी लिखना होता है, क्योंकि ऐसे कॉपियां नहीं भरती, हमने भी पेपर दिया है। आपको राइटिंग बना के लिखना है। राइटिंग बनाने के बाद पेज जहां समाप्त हो, बीच में कोई पेज छोड़े ना, बीच में कोई पेज छोड़े ना, जहां पर आपका पेज समाप्त हो रहा है वहीं पर लिख दीजिए समाप्त, वहीं पर लिख देंगे आप समाप्त। उसके अलावा हेडिंग डालते समय काली पेन का प्रयोग करें। प्रश्नोत्तर संख्या लिखें। हम एक बार इंटरमीडिएट की कॉपी चेक कर रहे थे तो कुछ बच्चे थे उसमें प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखे थे, डायरेक्ट प्रश्न एक, दुई, तीन, चार, पांच, तो इससे प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे आपकी जो है इमेज आपके कॉपी अच्छी नहीं दिखती है। आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से, एट्रैक्टिव, जो एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करे उसके दिमाग में घुस जाए हाँ बच्चा पढ़ा है। वैसे कॉपियां जो चेक होती हैं एक एक अक्षर पढ़ के नहीं चेक की जाती है, सब ऊपर ऊपर ऐसे देख लिया जाता है और चेक कर दिया जाता है, आपको नंबर अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। हमारी तरफ से इतनी ही टिप्स है।
इन टिप्स का अगर आप पालन करते हैं सदैव आप प्रथम श्रेणी में अंक पाएंगे, चाहे बीए की परीक्षा दे रहे हो, चाहे बीकॉम की परीक्षा दे रहे हो, चाहे बीएससी की परीक्षा दे रहे हो, एमए, एमकॉम, एमएससी। इसी टिप्स का पालन कीजिए, पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, पढ़ाई अगर अच्छी ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा कीजिए, कम करनी है तो कम कीजिए, लेकिन लिखने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। कॉमर्स से संबंधित अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।